दिखे गल हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल से मैं आज कहां पर आया हूं। जी हां दोस्तों, मैं आया हूं आज चंडीगढ़ का बहुत ही फेमस बर्ड पार्क में। और दोस्तों ये जो बर्ड पार्क है ये सुखना लेक और रॉक गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है सेंटर में। और कहते हैं ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है और यहाँ पर बहुत रंग बिरंगे बर्ड्स हैं। तो गाइज़ मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ अंदर बर्ड पार्क के और वहाँ पर देखता हूँ कि किस प्रकार के यहाँ पे बर्ड्स रखे हुए हैं इन्होंने। और पहले लेते हैं टिकट और टिकट की मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कितनी की टिकट है, एडल्ट की कितनी है और बच्चों की कितनी है। तो यहाँ पर और क्या क्या एक्टिविटीज़ है इसके अंदर, तो चलते हैं दोस्तों। मैं मिलता हूँ सीधा आपको बर्ड पार्क के अंदर। मेरे साथ आ जाए हुए हैं मोहित राजल, मेरे जो कि फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे बहुत ही पुराने फ्रेंड हैं और ये भी व्लॉगर हैं। तो इनको भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें इनके चैनल को। इनके चैनल का नाम है मोहित राजल व्लॉग्स, मोहित राजल व्लॉग्स। तो चलते हैं मोहित अंदर, चलो चलो देखते हैं बर्ड्स पार्क। मैं पहुंच चुका हूं टिकट काउंटर के बिल्कुल सामने और यहां लगा है टिकट चार्ट। टिकट की बात करें एडल्ट की है 50 रुपीज़ और चाइल्ड एज 5 to 12 ईयर्स की है यहाँ पे 30 रुपीज़ चार्ज लगते हैं टिकट के। और अगर बात की जाए विंग्ड वांडर सेक्शन की, यानी कि मकाओ को अपने हाथ पे बिठाने की, तो 100 रुपीज़ है और जो फॉरनर है उनके 500 रुपीज़ लगते हैं यहाँ पर। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ बर्ड्स पार्क की एंट्री पे और यहाँ पर लिखा है ईटेबल्स नॉट अलाउड इन दिस एरिया, तो आप खाने पीने की चीज़ें अंदर नहीं ले जा सकते। और अगर बात की जाए चंडीगढ़ बर्ड पार्क की, यहाँ की इसकी टाइमिंग है 10 AM to 4:30 PM और मंडे टू ट्यूजडे ये क्लोज रहता है। ये है एंट्रेंस गेट इसका। तो गाइस चलते हैं अंदर इसके। यहाँ पे इन्होंने फैसिलिटी दी है पीने के पानी के, यहाँ पे टैंक लगा हुआ है पानी का, क्योंकि हम बाहर से नहीं ला सकते वाटर बॉटल क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने बर्ड पार्क। हम बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं चलकर क्या है यहाँ पर। इन्होंने ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा ये क्या है, ये एक्चुअली इन्होंने बनाया है नवग्रह, यानी कि नवग्रह। लिखा है वेस्ट में शनि जी है, नॉर्थ वेस्ट केतु, नॉर्थ गुरु हैं, नॉर्थ ईस्ट में बुधा, मरकरी यानी कि ईस्ट में है शुक्र और मून है साउथ ईस्ट में और मंगल साउथ में। तो बहुत ही अच्छा है इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो अब हैं गाइस हम डक सेक्शन की ओर और ये है साउथ अमेरिका से लाया गया इनको। मैं आपको लेकर जा रहा हूँ अमेरिकन डक को। ये कितनी ही ब्यूटीफुल डक है ये। यहाँ बर्ड पार्क बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, ये देखिए आपने चीज़ के ऊपर इन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है बर्ड्स के, ये बहुत ही। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। बाकी ये पूरी डिटेल है आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं बढ़ता हूँ आगे। मैं पहुँच चुका हूँ बजीज यानी कि बजरीगढ़ बर्ड्स के सेक्शन में और बहुत ही रंग बिरंगे बर्ड्स हैं, बहुत स्मॉल और बहुत स्वीट हैं। ये ज़्यादातर फ्रेंडली होते हैं और छोटे इनको स्मॉल पैरट्स भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ बजीज। तो गाइस ये है बजीज का सेक्शन। अगर बजीज की बात की जाए तो जो बजीज है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैट बर्ड्स इन द इंटायर वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का बहुत ही फेमस पैट बर्ड है। और ये लाइफ स्पैन रेंजेस फ्रॉम 7 to 15 ईयर्स इनकी एज होती है। तो ये देखिए आप, आ जाइए
ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं गाइस। कहते हैं कि इनकी हॉल बॉडी पे 3000 फैदर्स होते हैं। कैसे लगे आपको बजीज बर्ड? मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगे, बहुत ही प्यारे बर्ड्स हैं यहाँ पर और काफ़ी कलरफुल हैं। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे देखता हूँ कि यहाँ पर और कौन कौन से बर्ड्स हैं। मेरे सामने एक और केज है, यहाँ पे है लव बर्ड्स और इनकी यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर लव बर्ड्स की बात करें तो ये है अफ्रीकन बर्ड हैं और ये इनकी जो साउंड होती है बहुत ही लाउड होती है साउंड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये हमेशा ही पेयर में रहते हैं, सिंगल नहीं रहते ये। और इनकी जो एज है वो 20 से 30 साल रहती है। तो आइए देखते हैं। देखिए नेचर भगवान ने कितने अच्छे इनको बनाया हुआ है, कितना कलरफुल है ये और वो काफ़ी स्मॉल पैरट्स हैं। अगर इनके ट्रीज के ऊपर इनके हाउसेस देखिए, कितने ब्यूटीफुल हाउसेस हैं, देखिए आप बनाए हुए हैं इन्होंने। मैं फटाफट आपको आगे की ओर लेकर चलता हूँ, आगे देखते हैं और कौन कौन से बर्ड्स हैं और मैं दिखाता हूँ ये जो आगे का इनका मतलब बहुत ही मतलब सिस्टमेटिकली इन्होंने बनाया हुआ है। मतलब ऐसे लग रहा है मतलब इनको जो बर्ड्स के जो है ना ये अपना क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर दिया हुआ है पूरा जंगल वाला, क्योंकि इनको ऐसा बिल्कुल भी ना फील हो कि ये इनको मतलब ऐसे रखा हुआ है केजेस में। तो यहाँ देखते हैं क्या चीज़ है। ओके एक्वाटिक, तो यहाँ पे हैं ये डक्स, ये है इनके एंट्रेंस, इनको डोर बनाया हुआ है चेन का, ये देखिए काफ़ी हैवी चेन है। वाओ, ये है वाइट स्वैन और मैं आया हूँ वाइट स्वैन के सेक्शन में और इनकी एज की बात की जाए तो दोस्तों 20 to 30 ईयर्स इनकी एज रहती है और जो इनका साइज़ रहता है 3.9 इंचेस और मैक्सिमम जो है 5.5 फीट एडल्ट रहते हैं, जो इनका ये जो बड़े होते हैं उनका साइज़ रहता है 5.5 इंचेस। बनाया हुआ इन्होंने ब्रिज और इन्हें बोल सकते हैं हम सर्फिंग पॉइंट भी। तो गाइस ये है व्हाइट स्वैन, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है ये बर्ड, कितना अच्छा यहाँ पे वाटरफॉल है। मैं पहुँच चुका हूँ फूड डक के सेक्शन में, ये सारी इंफॉर्मेशन है उनका। कहते हैं जो साइज़ रहता है 1.4 और मैक्सिमम जो साइज़ रहता है वो है 1.7 फीट। तो गाइस इन्हें बोल सकते हैं हम सेल्फी पॉइंट भी, देखिए कितना ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है इन्होंने। आगे की ओर यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने कि बर्ड्स को कुछ भी ना मत खिलाएं, ना ऊंचा बोलें, इनके आगे कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ना दें और बर्ड्स के पार बिल्कुल भी मत जाएं। यह ब्लैक स्वैन, गाइस अगर इनकी एज की बात की जाए तो ये सिर्फ 3 और 4 साल ही रह पाते हैं, 3 से 4 साल। ब्यूटीफुल बर्ड, देखो इनको फीड डाली जा रही है। गाइस
इनके टू बेबीज हैं, ब्लैक स्वेंट है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इनकी चोंच देखिए, रेड कलर की चोंच है और पूरा ही ये ब्लैक बॉडी है इनकी। इनके जो फैदर्स हैं, कहते हैं ये होल बॉडी पे 10,000 फैदर्स हैं। कैसा लग रहा है गॉड पार्क? मैं तो बहुत मज़ा कर रहा हूँ और बड़े मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और बहुत ही अच्छे मतलब ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं। तो गाइस मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे बढ़ा और देखा मैंने ये फिश सेक्शन। जो अगर ये फिश की बात की जाए, ये है कोई कार्प फिश। बहुत ही इनके मतलब अच्छे अच्छे कलर्स हैं, देखिए आप, ऑरेंज है, वाइट और ऑरेंज है और बीच में ब्लैक भी है। तो गाइस ये देखिए, फिर से हम एग्जिट ले रहे हैं और ये तो गाइस ये देखिए, ये जो चेन्स बनी हुई हैं बहुत ही हैवी हैं, यहाँ से बर्ड्स बाहर नहीं जा सकते, तो काफ़ी सेफ्टी रखी हुई है इन्होंने, बर्ड पार्क वालों ने। तो यहाँ से एंट्री है और यहाँ से एग्जिट है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस सेक्शन की तरफ। गाइस अगर बर्ड पार्क की बात की जाए, अगर आपको बर्ड पार्क आना है जो बसेस से आ सकते हैं, तो यहाँ पे चंडीगढ़ के दो बस स्टैंड है, एक 43 सेक्टर का और 70 सेक्टर का, और आप सीधा 17 सेक्टर वाले बस स्टैंड पे आ सकते हैं और वहाँ से आपको ऑटो भी मिल सकता है और हर दो मिनट के बाद आपको बस भी मिल सकती है जो कि बर्ड पार्क आ जाती है। टैक्सी भी आ सकते हैं अपनी कार से, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मैं तो कहता हूँ आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आएँ और बच्चों के साथ आएँ और विज़िट ज़रूर करें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे दिखाता हूँ और कौन कौन से चीज़ हैं। क्यों मौज भाई, आ रहा है, इंजॉय कर रहे हो आप? बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने अच्छे से मैनेज किया हुआ है, जो ये नेचर ट्रेल है और यहाँ का जो बर्ड्स का रहने का है ना, मतलब अच्छा है, बर्ड्स को दिक्कत नहीं है कोई। सबसे बर्ड पार्क, तो ये यहाँ पे बना हुआ है कप्स वगैरह और सीनरीज हैं, पिक्चर्स हैं और मग है, बॉटल्स हैं पैरेट की, तो आप परचेज कर सकते हो यहाँ से। तो गाइस ये है कैफ़े की एंट्री और हम यहाँ से चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों ये है द वुड्स कैफ़े, ये और ये सारा मेनू है, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या यहाँ पे। और यहाँ बिल्कुल कैफ़े के सामने है सीटिंग अरेंजमेंट्स। मैं आ गया हूँ कैफ़े में और हमने ऑर्डर किया दो सैंडविच और दो कॉफ़ी, और खा के मैं आपको बताता हूँ ये कैसी बनी है, उसका टेस्ट क्या है। बस ये हमारे सैंडविच और ये आ गई हमारी कॉफ़ी। तो मैं अब कॉफ़ी टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसी बनी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छी बनी है कॉफ़ी। तो दोस्तों ये है सेल्फी पॉइंट, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आके काफ़ी ब्यूटीफुल सेल्फी ले सकते हैं और बहुत ही प्यारी पिक्चर आती है यहाँ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये कपल कितने खुश हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। तो गाइस मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर, आगे देखता हूँ कौन सा सेक्शन है। तो मैं फटाफट से दिखाता हूँ आपको, एक्चुअली दिन भी ढल रहा है। इसके अंदर चलते हैं फिर से, ये देखिए इनका जो एंट्रेंस जो डोर है, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा बना हुआ, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये जो चेन्स इनकी, इनका डोर बनाया हुआ है चेन्स का, तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हैवी चेन्स है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इसके अंदर जाने के लिए। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये देखो दिस वे मालिका सामने, ये देखिए गाइस। तो फिर से यहाँ पे चेंज वाला डोर है, एक और डोर हम ओपन करते हैं और ये देखिए, वाओ। ये बर्ड्स कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों इन बर्ड्स की बात की जाए तो ये है रेनबो बर्ड्स हैं और ये स्वेंसन्स और ये रेड कोलार्ड बर्ड्स, यहाँ की ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ के। ये है रेनबो पैरट, तो चलते गाइस। एंट्रेंस पे हमें मिल गया ये
कोकेटू। ये जो बर्ड है कहते हैं कि बहुत ही मतलब समझदार होते हैं और बहुत जल्दी इनकी जो सेंस है, पिकअप सेंस है इनका, जो माइंड बहुत शार्प होता है। ये इनका हाउस बना रहा है। तो गाइस ये है कॉकटेल बर्ड और कहते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और बहुत ही फ्रेंडली पेट है। ये खुद ब खुद मेरे यहाँ पे शोल्डर पे आकर बैठ गया है। देखिए क्लोज दिखाता हूँ मैं आपको। नेम कुकू है, कुकू नेम है। तो दोस्तों इसका नाम है कुकू, यहाँ पे रखा गया है। और बाकी ये देखिए काफ़ी क्यूट है बॉडी है। ये बड़ी वाइज ये है मकाओ, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। जो कर रहा हूँ मकाओ का जो केज है ये बना हुआ है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि क्योंकि हम जू में जाते हैं तो ये केज में होते हैं, तो हम बाहर होते हैं और हम इनके अंदर हैं, इनके केज के अंदर। तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है और आप ज़रूर आएँ और यहाँ पर विज़िट करें। मैं आपको दिखाता हूँ आगे और कौन कौन से बर्ड्स हैं। क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे हैं मकाओ सेक्शन में मैं पहुँच चुका हूँ। इस बर्ड के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं चलता हूँ आपको अंदर लेकर और देखते हैं ये ब्यूटीफुल बर्ड। और जो मकाओ का जो बर्ड को अपने हाथ में बिठाने के 100 रुपीज़ लगते हैं एक्स्ट्रा से। बर्ड का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, आज वो मेरे सामने है। और एक्चुअली ये मैंने देखा था टीवी पर और मैं आज सामने से लाइव देख रहा हूँ। काफ़ी ह्यूज साइज़ है, बिग साइज़ है। और भैया को बोलता हूँ मकाओ अमेरिका का बर्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसका क्या नाम है वैसे, क्या नाम है? माइकल। गाइस ये है माइकल और माइकल के नाम से आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लाइक तो बनते ही है, सब्सक्राइब बनता है, तो ज़रूर दबा के करें सब्सक्राइब। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखिए इसकी मतलब भगवान ने कैसे बनाया हुआ इसके कलर। देखो ये येलो कलर है इसकी चेस्ट का और पूरा ये रॉयल ब्लू कलर का है। हेलो ये चौंस देखिए कितनी बड़ी है। तो गाइस ये जो मकाओ बर्ड है कहते हैं कि 60+ इसकी एज रहती है और ये साउथ अमेरिका का बर्ड है। देखिए अब जो इसकी एक्चुअल एज है ये 5 ईयर्स का है। कितना मतलब अभी से इतना ह्यूज साइज़ है और आगे चल कर ये कितना ह्यूज साइज़ हो जाएगा इसका। और ये वेल ट्रेंड है मेरे को। दोस्तों इसकी चोंच देखिए कितनी बड़ी है, इसके पाँव देखिए हिट कर रहा मुझे। यही राज देखो माइकल को मैंने बैठा लिया। अभी शॉल्डर पर डर भी लग रहा है, इतनी बड़ी चोंच है इसकी, अगर इसे काट लिया तो। तो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बोलो, बाय।